हे hey फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं पाव भाजी। तो पाव भाजी बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले ली है कुछ वेजिटेबल्स। तो मैंने यहाँ पे एक गाजर ली है जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। मैंने यहाँ पे दो शिमला मिर्च ली है। मैंने यहाँ पे 4 से 5 हरी मिर्च ली है। एक नींबू लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरा धनिया। हमने यहाँ पे 3 आलू लिए हैं जिसे हमने उबाल कर मैश कर लिया है। अब हमने यहाँ पे लिया है एक कटी हुई प्याज और हमने यहाँ पे 4 कटे हुए टमाटर ले लिए हैं। फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे भाजी। तो भाजी बनाने के लिए हमने यहाँ सबसे पहले एक पैन ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे बटर। अब हम यहाँ पे एक कटी हुई प्याज डालेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ी सी प्याज बचा लूँगी, तो मैं यहाँ पे इतनी प्याज बचा लेती हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर टमाटर। तो हम यहाँ पर सारे टमाटर डाल देंगे। अब हम यहाँ पर डाल देंगे हरी मिर्च। इसे 2 मिनट तक अच्छे तरीके से मिला लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे मैश किए हुए आलू। और अब हम यहाँ पे इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे डाल रहे हैं शिमला मिर्च, ग्रेट की हुई गाजर और अब हम यहाँ पे डाल देंगे हरा धनिया और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पे पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद हम यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। पानी डालने के बाद हम इसे ढककर पकाएंगे, तब तक इसका सारा पानी सूख ना जाए। अब फ्रेंड्स, 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि इसका सारा पानी अच्छी तरीके से सूख गया है। इसके बाद हम यहाँ पे इसे मैश करेंगे। मैश करने के बाद फ्रेंड्स, हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी और डालेंगे और इसके बाद हम इसे ढककर 2 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। तो आफ्टर 2 मिनट के बाद फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि जो हमारी वेजिटेबल्स है वो अच्छी तरीके से हो गई हैं। तो हम यहाँ पर इसे फिर से मैश कर लेंगे। हमने यहाँ पर वेजिटेबल्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच पाव भाजी मसाला पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर। हम यहाँ पे इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पे डाल देंगे 1/2 ग्लास पानी और इसे अच्छी तरीके से पकाएंगे। 2 मिनट तक इसे और पकाने के बाद हम यहाँ पे बीच में कुछ इस तरीके से होल कर लेंगे। अब हम यहाँ पे डाल देंगे बटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, ग्रेट की हुई गाजर और फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे डाल देंगे प्याज जो हमने पहले बचा कर रखी थी। तो हम यहाँ पे बिल्कुल थोड़ी सी प्याज डालेंगे। अब हम यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा बटर और हरा धनिया। अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद हम यहाँ पे एक नींबू का रस डाल देंगे और हम यहाँ पे इसे अच्छी तरीके से होने देंगे। और इसके बाद हमने यहाँ पे डाला है रेड फूड कलर। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे इसे अच्छी तरीके से पकाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे पानी। पानी डालने के बाद हम इसे 5 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, हमारे जो पाव भाजी है वो बन के एकदम तैयार हो गई है। इसके बाद फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एक तवा लिया है, इसमें डाल दिया है बटर, लाल मिर्च और पाव भाजी मसाला। इसके बाद हमने यहाँ पे डाला है हरा धनिया और अब हम यहाँ पे पाव को अच्छी तरीके से सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी पाव यहाँ पे सिक गई है। ऐसे ही हमने सारी पाव को सेक लिया है और मैंने यहाँ पे प्लेटिंग कर दी है। अब मैं यहाँ पे डाल देती हूँ भाजी। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरीके से बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये पाव भाजी की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे दिए गए हुए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको आने वाले और वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके।